अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान हैदर, आप देख रहे हैं ग्रीन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं तूड़ी बनाने वाली हार्वेस्टर, पाकिस्तान में इसकी इंजीनियरिंग की गई है। इसकी आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देनी है, ड्राइवर का इंटरव्यू भी करना है, जिसने इंजीनियरिंग की है उसका भी नंबर शेयर कर देंगे। अगर आप ये कटवाई कराना चाहते हैं तो ड्राइवर का नंबर हम ज़रूर शेयर कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को दोस्तों आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों तूड़ी बनाने वाली मशीन पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की गई, आप पैर भी इसकी इंजीनियरिंग करवा सकते हैं, उनका नंबर ज़रूर होगा वीडियो में। तो अभी आपको परफॉर्मेंस चेक कराते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कटाई कैसी कर रही है। ये दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस चेक करें, ये नीचे से कटाई कर रही है। और इसकी जो ख़ास बात है इस मशीन की, जिसने भी इंजीनियरिंग की है, ये दाना तूड़ी में नहीं लेकर जा रही, दाना भी साफ है और नीचे कटाई कर रही है। दोस्तों इंटरव्यू आपने ज़रूर सुना ड्राइवर का, जिसने इंजीनियरिंग की, उसका मुकम्मल एड्रेस इस वीडियो में होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें 30-35 मान दोस्तों 30-35 मान इसमें तूड़ी आ जाती है, तकरीबन एक एकड़ की इसमें तूड़ी आ जाती है, दाना भी काफ़ी आ जाता है। ये इसका प्यारा सिस्टम पीछे देख लें, वही हार्वेस्टर है, बड़ी हार्वेस्टर है, छोटी नहीं, छोटी मशीन नहीं है ये। और इसमें एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, बड़ा प्यारा सिस्टम है। अंदर जाकर ड्राइवर से बात करेंगे दोस्तों। अब ये जो चेपर का दौर है वो भी जा रहा है, ये पाकिस्तानी इंजीनियर किसी से काम नहीं। आपने ज़रूर बताना कमेंट में कि इस पाकिस्तानी किसी से काम नहीं, अगर ये करने पे आ जाए तो जो करना चाहे कर सकते हैं। जी दोस्तों ये देख लें, इस वक्त ये तूड़ी उतार रही है, बिल्कुल ये जल्दी से उतार देती है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। इसमें 30-35 मन तूड़ी आती है, और तूड़ी दोस्तों देख लें बिल्कुल बारीक है। ये जो चेपर की है उसके हिसाब की है बनी हुई है, बारीक तूड़ी। और जो इसने कटाई की है दोस्तों, ये आप देख लें बिल्कुल नीचे से कटाई की है। और कुछ जो मशीनें थी, हार्वेस्टरें थी, उनको मैं देख रहा था, बाद में यहाँ से लॉक करना पड़ता है। तो इसका ऑटो सिस्टम है, ऑटो इंजीनियरिंग है, इसने जल्दी से उतार दिए, कोई टाइम नहीं लगा। अभी ये दोस्तों देख ले दाने उतारेगी, ये प्यारा सा इसका सिस्टम जी, ये इसके दाने भी देख ले, दाने देखें ये उतार रही है नीचे जी, बेहतरीन सिस्टम है इसका। साहब का इंटरव्यू आपने सुना, दाने भी साफ। और ख़ास बात इसकी है कि ये जो दाना है तूड़ी में नहीं ले जाती, कुछ मशीनें हैं जो तूड़ी में ज़्यादा दाना ले जाती, इसकी तसल्ली की गई है कि ये तूड़ी में दाना नहीं लेकर जा रही, और दाना भी साफ है, कटाई भी नीचे कर रही है। तूड़ी चेपर के हिसाब की है, आपको दोबारा थोड़ी करीब से दिखा देते हैं, ये पीछे इसका सिस्टम देख ले, फिर आपको थोड़ी दिखाते हैं दोस्तों जी। इधर देखें जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम जी। उस्ताद जी अपना तारुफ करा देना जी। मेरा नाम मोहम्मद जाहद है जी। जी मोहम्मद जाहद किस इलाके तो जी? मैं बहावलपुर। बहावलपुर जी, कितने अरसे चला रहे हो ये हार्वेस्टर? मैं तकरीबन 22 साल से चला रहे हैं। तनख्वाह से काम कर रहे हो? जी जी मैं तनख्वाह से काम कर रहा हूं। ये हार्वेस्टर किस मालिक दी है जी? ये अपना अल नूर एग्रो, अपना नूरपुर नरंगे तो। नूरपुर नरंगे तो। हां चौरी अब्दुल हमीद। तो इना कितने अरसे तो लई है जी? ये तकरीबन इना को 7-8 साल तो है।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 1980 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਦੇ ਤੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਕੈਸੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਤੋਂ 18 ਲੀਟਰ ਏਕੜ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਉਸਤਾਦ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਉਮਰ ਹਯਾਤ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ 304 ਜੀ 2278 965। ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲ ਨੰਬਰ? ਜੀ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਨਾ 15-16 ਕਿੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 7:30-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਬਾਹ 8:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ 15-16 ਕਿੱਲੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 15-16 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਬ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਏਸੀ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਅੰਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਏਸੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੁਛ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾੜਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਵਿੱਚ, ਏਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਯੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਟੈਂਕ ਹੈ ਦਾਨੇ ਕਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨੇ ਆਤੇ ਹੈ ਇਸ ਟੈਂਕ ਮੇ? ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 250 ਮਣ ਦਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 250 ਮਣ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੋੜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋੜੀ 1 ਏਕੜ ਦੀ, 1 ਏਕੜ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਮਣ, 35 ਮਣ ਤੋੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 35 ਮਣ ਤੋੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਵਰੇਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ, ਔਰ ਉਚਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਤੂੜੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜਨ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੋ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜਨ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ
सारी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन वाली। उस्ताद साहब कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो सिस्टम हमने लगवाया है कि ये हमने पहली दफा पाकिस्तान में लगवाया है, पहले ये किसी ने नहीं लगवाया, बड़ी मेहनत करके हमने ये लगवाया। उस्ताद जी कितना खर्चा आया थोड़ा इस पूरे सिस्टम का? ज़्यादा होती है। एसी भी पहली दफा लगवा